राधा चौहान केंद्र के लिए फिलहाल रिलीव हुई हैं। बड़ी खबर यहां पर, अपर मुख्य सचिव वित्त राधा चौहान दिल्ली गई और राधा चौहान के पास सेल्स टैक्स का भी चार्ज था। 1988 बैच की आईएएस राधा चौहान यूपी से कार्यमुक्त हुई और यूपी की ब्यूरोक्रेसी के लिए आज की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, 1988 बैच की आईएएस राधा चौहान यूपी से कार्यमुक्त हुई हैं। और यूपी की अगर ब्यूरोक्रेसी के लिए बात करें तो सबसे बड़ी खबर कही जा रही है राधा चौहान तो, और 1988 बैच की आईएएस राधा चौहान तो यूपी की ब्यूरोक्रेसी के लिए आज की सबसे बड़ी खबर। एसीएस राधा चौहान केंद्र के लिए फिलहाल रिलीव हुई। अपर मुख्य सचिव वित्त राधा चौहान फिलहाल अब दिल्ली गई, अब वहां पर कामकाज संभालेंगी। 1988 बैच की है, बड़ा अनुभव है। 1988 बैच की आईएएस राधा चौहान यूपी से कार्यमुक्त हुई, अब यूपी की ब्यूरोक्रेसी के लिए बड़ी खबर। अब केंद्र की बात करें तो यूपी की ब्यूरोक्रेसी से अब फिलहाल केंद्र के लिए चौहान केंद्र के लिए रिलीव हुई। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेन सिंह जी से। वीरेन जी, 1988 बैच की आईएएस राधा चौहान यूपी से कार्य मुक्त हुई है, ब्यूरोक्रेसी के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल, देखिए ये उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के लिए इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि वो यूपी में दो बहुत बड़े पदों पर तैनात थी। हाँ। राधा एस चौहान उत्तर प्रदेश में एसीएस थी वित्त विभाग की और सेल टैक्स विभाग की। सारा मतलब ये है कि जो उत्तर प्रदेश की आमदनी है वो सेल टैक्स से आती है। हाँ। और जो खर्च है वो वित्त विभाग करता है। तो पैसे का जितना बजट का हिसाब किताब था सब राधा एस चौहान देखती थी, बड़े जिम्मेदारी के पद पर थी। आज उनको केंद्र के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया है। केंद्र में उनको डीओपीटी का सचिव नियुक्त किया है भारत सरकार ने, बहुत बड़ा पद उनको मिला है। प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधे वो संबंधित होता है। तो राधा एस चौहान आज उत्तर प्रदेश से रिलीव हो गई हैं। उनके दोनों विभागों का चार्ज अभी फिलहाल किसी को नहीं दिया गया है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो बड़ी खबर है, आईएएस राधा चौहान केंद्र के लिए फिलहाल रिलीव की गई हैं। और बड़ी बात कि एसीएस वित्त राधा मोहन चौहान अब दिल्ली गई तो अब वहां पर काम देखेंगे। एक लंबा चौड़ा एक अपना अनुभव है काम का। उत्तर